ये है वन प्लस नॉट सी ई फोर जो हमें 25,000 रुपए में मिलने वाला है और ये फोन 1 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है हमारे इंडिया में। और इस फोन का डिजाइन कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, आपको दो कैमरा देखने को मिलेंगे और एक रिंग टाइप में हमें फ्लैश देखने को मिलेगा और ये ग्लॉसी प्लास्टिक बैक के साथ में हमें देखने को मिलने वाला है और प्लास्टिक की हमें फ्रेम्स देखने को मिलने वाली है। लेकिन ग्लास जैसी प्रीमियमनेस हमें इस फोन में फील होने वाली है और ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से इस फोन में फिंगरप्रिंट भी हमें आसानी से देखने को मिलने वाले हैं। और इस फोन में ना हमें आयर ब्लास्टर देखने को मिलने वाले हैं, डुअल स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलने वाला है और हाइब्रिड सिम स्लॉट हमें इस फोन में देखने को मिलने वाला है, यानी कि सब कुछ बढ़िया ही देखने को मिलेगा। और इस फोन के ना हमें दो कलर देखने को मिलने वाले हैं जिसमें हमें सेलोन मार्वल देखने को मिलेगा और डार्क क्रोम देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा कलर बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। इस फोन में डिस्प्ले भी बढ़िया देखने को मिलती है, 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस LTPS AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलती है। और इस फोन की ब्राइटनेस हमें 1100 निट्स तक देखने को मिलने वाली है जो कि हाई ब्राइटनेस मोड रहने वाला है, यानी कि अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी लेके जाओगे तो आपको 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी जिससे आपकी डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा विजिबल रहने वाली है। और इस डिस्प्ले की कलर्स आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि अगर आप कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो इंटरटेनमेंट के मामले में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी हम कैमरे की बात कर लेते हैं तो इसमें हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक साइड में जिसमें हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा जो कि सोनी LYT 600 सेंसर के साथ में हमें देखने को मिलने वाला है और मेन कैमरे में ही हमें OISB देखने को मिलेगा। और अगर आपको फोटो का अंदाजा लगाना है तो यही सेंसर हमें Realme 12 Plus में देखने को मिला था, तो लगभग आपको कुछ वैसे ही फोटो देखने को मिलने वाले हैं इस फोन से। और 8 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा वो भी सोनी IMX355 सेंसर के साथ में आने वाला है, यानी कि आपको फोटो बहुत ही अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी हमें देखने को मिल जाती है जो कि अच्छी बात है क्योंकि आजकल 16 मेगापिक्सल की ही हमें सेल्फी देखने को मिलती है ज्यादातर फोन्स में। और आई होप इस फोन के कैमरे को ना बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जाएगा जिसकी वजह से हमें आउटपुट बहुत ही बढ़िया देखने को मिल सकता है। और इस फोन में हमें परफॉर्मेंस भी तगड़ी देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें हमें Snapdragon 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 4nm पे वर्क करता है और इसका अंतुतु 8,66,000 के करीब आता है। और परफॉर्मेंस को और एनहांस करने के लिए इसमें हमें LPDDR4X की रैम देखने को मिलेगी और UFS 3.1 की स्टोरेज हमें देखने को मिलने वाली है जिससे हमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और OxygenOS 14 देखने को मिलेगा और Android 14 देखने को मिलेगा हमें आउट ऑफ द बॉक्स जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अराउंड हमें 4 साल तक के अपडेट पॉलिसीज देखने को मिल सकती हैं, बट ये कंफर्म नहीं है। और 5500mAh की हमें बैटरी देखने को मिलती है 100W के चार्जर के साथ में जो कि हमें बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है 30 से 35 मिनट के अंदर हो सकता है। और इसमें हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है और आप इसकी स्टोरेज को अपग्रेड भी कर सकते हैं 1TB तक। तो वन प्लस का ये फोन नथिंग फोन 2A को भी पीछे छोड़ देता है कुछ केसेस में, जैसे कि इसी फोन के साथ में हमें 100W का चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और कवर भी देखने को मिल जाता है इनबॉक्स जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और परफॉर्मेंस भी इस फोन की नथिंग फोन से बहुत ही ज्यादा बेटर है और मेरी नजरों में वन प्लस नॉट सी ई 4 25,000 के अंदर आने वाला सबसे बेस्ट फोन है। वैसे मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि अगर आपको मौका दिया जाए कि नथिंग फोन 2A और वन प्लस नॉट सी ई 4 इनमें से कोई एक फोन लेने का मौका मिले तो आप कौन सा फोन लेना पसंद करोगे। और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना।